साक्षी एंड वेलकम टू ब्यूटी एंड फैशन। और आज मैं आप लोगों को अपने बाल स्ट्रेट कर कर दिखाऊंगी इस हेयर स्ट्रेटनर की हेल्प से। आप बहुत ही आसानी से अपने बाल घर पर ही स्ट्रेट कर सकते हैं, आपको कहीं भी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। आप बहुत ईजिली अपने बाल हेयर स्ट्रेटनर से घर पर ही स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये हेयर स्ट्रेटनर मैंने अमेजोन से मंगवाया था, इसके बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसके प्राइस चेक कर सकते हैं और इसको मंगवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बालों का घर पर ही ध्यान रख सकते हैं जिससे वो डैमेज ना हो और अच्छे लगे और लंबे हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये मेरे ओरिजिनल हेयर हैं, थोड़े कर्ली हैं, आज मैं इनको आपको स्ट्रेट कर कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को कॉम करना है, उनमें अगर कोई टेंगल्स हैं तो उन्हें टेंगल फ्री करना है। उसके बाद अपने हेयर्स को दो सेक्शन में डिवाइड करना है। एक सेक्शन में हम क्लचर लगा लेंगे ताकि वो बाल हमारे इधर उधर ना हो और इजीली स्ट्रेट हो जाए। उसके बाद हमें ये पीछे से लेयर लेनी है। और फ्रेंड्स, हमेशा स्ट्रेटनिंग करने से पहले अपने बालों में हेयर स्प्रे जरूर करें। ये वही हेयर स्प्रे है जो मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बनाना सिखाया था, आप जाकर मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, वरना मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं कि ये हेयर स्प्रे किस तरह से बनाना है। इसको अपने हेयर में स्प्रे करेंगे। इस तरह से। और पीछे से एक लेयर लेनी है थोड़ी पतली, कॉम करेंगे। उसके बाद अपने हेयर पर ये हेयर स्ट्रेटनर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे एक साइड की हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ डिफरेंस हेयर स्प्रे का। आप देखिए, इस साइड मेरे बालों में शाइन है और इधर डल लग रहे हैं। तो ये डिफरेंस है इस हेयर स्प्रे का, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर जरूर देखें, आपको पता चल जाएगा ये किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अपनी दूसरी साइड के भी हेयर स्ट्रेट कर कर दिखाती, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ एक ही साइड के अपने हेयर स्ट्रेट कर कर दिखाए हैं। बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपको पहले अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड करना है, उसके बाद पीछे से एक पतली स्ट्रैंड लेनी है, उसमें हेयर स्प्रे करना है और उसके बाद अपने हेयर को स्ट्रेट करना है अपने स्ट्रेटनर से। इससे आपके बाल हीट से बचे रहेंगे और कम डैमेज होंगे। अब मेरे पूरे हेयर स्ट्रेट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इनमें शाइन भी है और ये डैमेज भी नहीं हुए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। आप जब भी ऑयलिंग करते हैं, कभी भी गंदे बालों में ऑयलिंग मत कीजिए। गंदे बालों में ऑलरेडी डस्ट होती है, हम उसमें अगर ऑयलिंग करेंगे तो वो डस्ट हमारे स्कैल्प में चली जाएगी और हमारी रूट्स को डैमेज करेगी। और अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, कैल्शियम वाली चीजें खाएं, विटामिन ई वाली चीजें खाएं, जिससे आपके बालों में और ज्यादा शाइन आए और उनको ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। गीले बालों को कभी भी कॉम ना करें। तो ये थी मेरी वीडियो कि आप किस तरह से अपने बालों को घर पर ही स्ट्रेट कर सकते हैं बिना डैमेज किए और अपने बालों का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको मेरी वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपना ध्यान रखें और मेरे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने का वेट करें। थैंक यू।